हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्लिपकार्ट से आईफोन 13 प्रो EMI पर कैसे ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी जानना है कि किस्तों पर आप आईफोन कैसे खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, तो इसके लिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ आईफोन 13 प्रो। तो सर्च करने के बाद हमारे पास कई सारे वेरिएंट आ जाते हैं देखने को। जौन सा आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये 1,19,000 वाला ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं आईफोन 13 प्रो 128 GB में है दोस्तों। ये आपको कलर जौन सा अच्छा लगे वो आप कलर पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए। सिंपली आपको बाय नाउ पर क्लिक कर देना है। ऑरेंज कलर का ये जो बटन है ये कर देंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप इसका टेम्पर ग्लास और बैक कवर खरीदना चाहते हैं तो ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा बैक कवर के। अगर आप बैक कवर खरीदना चाहते हैं तो भी हमें नहीं खरीदना, स्किप एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले डिलीवर टू यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है और नीचे की तरफ आके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके सामने पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला पेमेंट ऑप्शन है गूगल पे का, यूपीआई में दोस्तों आपको फ़ोनपे, पेटीएम वॉलेट और भीम से भी आप इसका जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और EMI है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिलता, तो यहाँ पर सिंपली हमें EMI पर लेना है। EMI पर हम क्लिक कर देते हैं ईजी इंस्टॉलमेंट पर और कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेंगे। जौन सी कंपनी का आपका ये बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको एक क्रेडिट कार्ड जो है सबसे अलग दिखाई देगा, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं HDFC बैंक का। इसमें नो कॉस्ट EMI है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आपका जौन सा भी क्रेडिट कार्ड है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं बताने के लिए HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट आ जाएगी दोस्तों। अगर आप 6 महीने की इंस्टॉलमेंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको हर महीने इतने जमा करने पड़ेंगे, आप देख सकते हैं 19,400 रुपये कुछ। और यहाँ पर अगर आप 3 महीने की लेते हैं तो आप देख सकते हैं 40,000 रुपये आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग महीने की दोस्तों इंस्टॉलमेंट दी गई है। जिस हिसाब में आपको अच्छा लगे उसमें आप सिलेक्ट करके कर लीजिए। यहाँ पर 2 साल की भी दोस्तों आपको इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, यानी कि 24 महीने देख सकते हैं। नीचे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी चार्ज जो है फ्री है, पैकिंग चार्जिंग आपको 29 रुपीज़ और बैंक ऑफर डिस्काउंट आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों 3,000 रुपये का दिया गया, यानी कि दोस्तों 3,000 रुपये एकदम से कम हो जाएंगे। तो ये सारी डिटेल दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब सिंपली आपको क्या करना है, कंटिन्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है नीचे, अब सब कुछ देख करके। और यहाँ पर आपका सामने आ जाएगा, नीचे और भी डिटेल दी गई है, अगर आप इनको दोबारा से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर कार्ड नंबर आपको डालना है अपने क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पर वैलिडिटी डालनी है, एक्सपायरी जो वैलिडिटी होती है कार्ड की, और CVV नंबर डालना है। और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP डाल करके ये आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। और हर महीने जोन सी भी आपने EMI सिलेक्ट करी होगी उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट कटती रहेगी आपके बैंक अकाउंट से। तो इस तरीके से आप EMI पर आईफोन 13 प्रो खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।